मेरे स्कूल में और बहुत से इनका नाम मैं इस मुश्किल लूँगा, लेकिन एक बात जो आपको बताना चाहूँगा कि मैं केवल यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि यहाँ का विद्यार्थी भी रहा। 1950 में जब ये खुल विद्यार्थी कॉलेज करनाल में खुला तो मैं उसमें सीनियर मोस्ट स्टूडेंट या ग्रेजुएट जो कि तो आई वह जमाना था आगे बढ़े मैं उन विद्यार्थियों को जो मुझसे कुछ देर संबंध रहा है एज स्टूडेंट या एज टीचर मैं उसका सबको आभारी करता हूँ, सबको मुबारक देता हूँ। थैंक यू। गुरु और सड़क दोनों एक ही जैसे होते हैं, ये होते हैं जहां गुरु की महिमा और एक आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कॉमर्स फैकल्टी के गुरु अच्छा है तो भी अच्छा है, वो बुरा है तो भी अच्छा है, क्योंकि दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते। ये पुराने दोस्त हैं जो आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज दयाल सिंह कॉलेज की तरफ से एलुमनी की तरफ से जो आज यहाँ पर एक एनुअल मीट रखी गई थी, तमाम जो लड़कियां हैं यहाँ से पास आउट हो गई हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो आगे क्या कर रही हैं और किस तरह से पुरानी यादें एक बार फिर से इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ जी, मैं तनीषा और मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ और यहीं से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था और अब मेरा नेट भी क्लियर हो गया है मैम की ब्लेसिंग्स की वजह से। यहाँ पर हमने बहुत ही 3 साल बहुत ही मस्ती से बिताए हैं और डेली कभी कभार लेट आना वरना कैंटीन में समोसे और बहुत कुछ, ऐसी बहुत सारी यादें रही हैं। यूथ फेस्टिवल्स के बीच में भी जब हम इधर उधर जाया करते थे जहाँ पर यूथ फेस्टिवल्स होते थे और वहाँ पर बहुत ही हमने आनंद और मस्ती करी है और हमने उसमें कई प्राइजेस भी जीते हैं हर उसमें यूथ फेस्टिवल की सिंगिंग में भी। और हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप था, 12 लोगों का था और उसमें से 12 में से 6 मेरे काफ़ी खास दोस्त रहे हैं और उनके साथ हमने बहुत ही मज़े किए थे। कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो एक इंतज़ार रहता है वो यूथ फेस्टिवल का रहता है और वहाँ पर मस्ती बहुत होती है, आपने कितनी मस्ती की इस कॉलेज के अंदर? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमने पार्ट लिया। लास्ट ईयर पास आउट है हम, लेकिन हम मिल नहीं पाते थे एक दूसरे से बिकॉज सब अलग अलग जगह बिजी थे, बट आज हम 1 साल बाद सब मिले हैं एक दूसरे से। करियर के चक्कर में दूसरी जगह चला जाता है, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई फेम के चक्कर में चला जाता है, लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में इकट्ठे होकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम 1 ईयर के बाद सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे अलग अलग हो गए हैं, फिर से वो सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं हमारे को, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एलुमनाई मीट का। थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज में पढ़ के। आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज की यादों के बारे में? एक्चुअली मैंने तो कह काफ़ी इन्जॉय किया इस कॉलेज में। मतलब मेरा सबसे जो गोल्डन टाइम था ना वो ये 3 साल थे। एट फर्स्ट आई यूज टू थिंक कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ना, मेरा इतना मतलब क्राउड मेरे को लगता था कि इतना अच्छा नहीं है, पर मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले और इतने अच्छे टीचर्स, स्पेशली रवि सर, दिस इज़ फॉर यू मैसेज रवि सर के लिए। रवि सर को हम बहुत मिस करते हैं क्योंकि जिस तरीके से सर ने हमें पढ़ाया है, भट्टी सर, चंद्रशेखर सर, मतलब बहुत ही अच्छे टीचर्स थे हमारे और हम एवरेज स्टूडेंट थी मैं एक, तो मुझे रहता था कि मुझे क्वेश्चंस पता लग जाएं कि मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूं और मेरे अच्छे मार्क्स भी आ गए, सब कुछ हो गया। NCC में थी, डांस कॉम्पिटिशन्स, पता नहीं कौन से कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिया एंड आई जस्ट मिस माई कॉलेज, मुझे बहुत याद आता है कॉलेज। अब मिलना चाहिए दोस्तों को, बिल्कुल मिलना चाहिए, आई गेस एलुमनाई में भी आना चाहिए, तो पता नहीं कम क्यों आए हैं। मैं तो आई हूँ क्योंकि यू नेवर नो अभी आगे हम कहाँ चले जाएंगे मास्टर्स के लिए, कुछ लोग दूसरी कंट्रीज के लिए चले जाते हैं, तो
तो हाँ आना चाहिए जब टाइम मिले तो। ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं वो गोल्डन पीरियड्स होता है और उसमें बहुत बच्चे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं, क्योंकि कई बार बंक करना होता है, कई बार कैंटीन में जाना होता है और कई बार घर से तो आ जाते हैं लेकिन कॉलेज में नहीं आते हैं। ये तमाम मस्तियाँ रहती हैं और उन यादों को आज एक बार फिर से दयाल सिंह कॉलेज में जोड़ा गया है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो जिन्होंने यहाँ पर अपने बेहतरीन पल बिताए हैं। अद्भुत मौसमी के बाद आइए अपनी यादों को एक मुकाम दें। जो बात ईद कह सकते हैं वो बात किसी और जरिए से नहीं कही जा सकती। हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ाई की है और 1993 के अंदर ये बैच से पास आउट हो गए थे और खूब मस्ती की इन्होंने भी और अब सब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे भी अच्छा नाम कमाएं, अच्छी पढ़ाई करें। आप क्या कहना चाहेंगे, आजकल कहाँ हैं और किस तरह की मस्ती कर रहे हैं? मस्ती तो हमने बहुत करी, लेकिन अभी मैं गुड़गांव में हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं टाइम्स ग्रुप एम एक्सप्लेयर में जॉब करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कुछ यादों के बारे में बताना चाहेंगे कॉलेज की? यादें तो बहुत हैं, बट कुछ स्पेशल यादें थी, लाइक हमारे टाइम पे एक मंडल कमीशन की स्ट्राइक हुआ करती थी, राइट? सो दैट वॉज काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता था वो सड़कों पे घूमना। बैक बेंचर से या फर्स्ट बेंचर से? भैया मैं तो फ्रंट बेंचर था, मैं बैक बेंचर नहीं रहा। बैक बेंचर ये सिर्फ हमारे यही फर्स्ट बेंचर थे, टॉपर थे हमारे टाइम के मिस्टर निपुण बंसल। बाकी जितने आप देख रहे हैं ये बैक बेंचर भी नहीं थे, ये क्लास के बाहर मिलते थे। हमारे त्रिपाठी सर होते थे, उनको पता था कि ये बाहर मिलेंगे, और पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ होता है, आप पेड़ होता था उसके नीचे सारे मिलते थे। क्लासरूम को बाहर से लोग लगाने वाले होते थे। हमने पटाखे वगैरह भी दिवाली के दौरान बजा, वो भी इंसिडेंट्स हैं। तो ये अब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो वो बड़े प्यार से वो बम के ऊपर की सुतली हटा के लगा के आके बैठ जाते थे, तो मेरे बगल में आके बैठ जाना, थोड़ी देर में कहना एक धमाका हो। मैं कह यार इनको पता नहीं कैसे पता लगता है कि कौन से कमरे में तो नहीं है, अंतर्यामी नहीं। और उसके बाद कहीं एक दूर कमरे से धड़ाम की आवाज आती थी और हमारे वो प्रिंसिपल कल्याणा साहब को हम देखते थे दौड़ते हुए, कौन है वो लड़की शरारती लड़की, अरे चुपचाप क्लास में बैठे होते थे और हम चुपचाप क्लास अटेंड कर रहे थे। तो वो किससे तो आजकल कहाँ है, मतलब वो एक हमारी यादें हैं जिसके सारे हम जी रहे हैं, जिसके सारे आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 93 का बैच था, 27 साल बाद आज देखिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इतनी दूर दूर से कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, सिर्फ बैचमेट्स को मिलने के लिए, फ्रेंड्स को मिलने के लिए कि वहाँ चलेंगे एंजॉय करेंगे, कोई कॉलेज की लाइफ याद करेंगे। और इसका अगला करने को हमारी पुराने टाइम के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब आए ना जी। अच्छा ये सेक्रेटरी शर्मा रहे हैं, ये कॉलेज के दिनों में भी शर्मा रहे हैं यार। पुराने दोस्त मिले हैं तो पुराने प्यार की भी बातें हो रही होंगी, मीडिया में नहीं बताई जा सकती है। हाँ अभी देखो अभी हम सब जॉब टाइम है, वो टाइम नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, तो सब आपस में गपशप करके अपना टाइम निकालते थे, भैया ये है वो है वो, आप समझते हो सारी बात। 27 साल के बाद कॉमन रूम देखे हैं हम सभी इकट्ठे, एक कॉमन रूम है जो गर्ल्स को था, गर्ल्स अलाउड थी वहाँ पर, जेंट्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर साइड में कॉमन रूम है जहाँ सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, जेंट्स अलाउड, बॉयज अलाउड थे, सभी के सभी वहां से निकलते और घूमते ऐसे देखते आते थे। और वो आज उनका सपना ये जो 27 साल बाद आज पूरा हुआ है, ये कॉमन रूम की एक एक दीवार देखा है, एक एक टेबल देखा है, एक एक चेयर देखा है, दिखा के लाए, लेकिन वो लाउड था, यूनियन के थे ये, तो मैंने जब देखा था तुम देखो
हमने आज पहली बार देखा है। पुराने दोस्त, एक बात और कहूंगा, ये 1993 कॉमर्स का एक ऐसा बैच है जिसने मैक्सिमम सीए प्रोड्यूस किए हैं आज तक दयाल सिंह कॉलेज की हिस्ट्री में। दयाल सिंह कॉलेज की हिस्ट्री में एक बैच से इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी प्रोड्यूस नहीं हुए। सो दिस इज वन बैच विच कॉलेज इज ऑल्सो प्राउड ऑफ। आई एम अ सीए, राजीव इज सीए, दिनेश इज सीए, एंड देयर आर मोर फ्रेंड्स, नवीन इज सीए। बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से कॉलेज में एंजॉय करना चाहिए, किस तरह से मस्ती करनी चाहिए। हालांकि आजकल बच्चे खुद एडवांस हो गए हैं, लेकिन आप अपनी बातें शेयर करते हैं उनके साथ? करते हैं, बट आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में फर्क है। वो कहते हैं पापा आपका टाइम और था, हमारा टाइम और था। जैसे अभी राजेश ने कहा कि हमारे टाइम पे कोई फोन नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, तो हम आपस में ही बात करते थे। तो एक कम्युनिकेशन का जो जरिया था वही एक बॉन्डिंग का जरिया था। आज तो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज चले गए, व्हाट्सएप पे फोटो चले गई, दूरी बैठे आप कॉलेज आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट तब ना आने का नुकसान ज्यादा होता था। तब तो ये भी होता था कोई उठ के नहीं आया। अब जैसे इसने बहुत बार करता है रजिस्टर भुलाया, तो मेरे रजिस्टर इसने बहुत सेंटर से पेज फाड़े हैं, बहुत पेन लिए हैं तो जेब में। हाँ, तो गुलाटी साहब के पास सिर्फ देते थे, वापस भी नहीं देते हो? नहीं, वापस तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल बच्चे एक साइकिल पे तीन इकट्ठे बैठ के आएंगे कहीं, और हम लोग तीनों आते थे। आप हमारी सेहत देख लो, तीनों एक डंडे पे बैठता था, एक पीछे और एक साइकिल चलाता था। और इसके साथ और मेरे साथ तो ऐसा वाक्य हुआ कि इसका फ्रैक्चर हो गया तो मुझे लेके आना भाई को, एक बीना में लेके लाया। चांस की बात ही 15 दिन बाद मेरा फ्रैक्चर हो गया, फिर एक बीना इसने डोया। पूरा बराबर किया हमने। कहता आपके पास पेन है? मैं कहा पेन है? कहते कमाल पेन रखा, पेन में कॉपी ले जाते कभी। तो ऐसी है जी, की मस्ती यूं ही बनी रहे, साथ यूं ही बना रहे, यही उम्मीद करते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज यूं ही जिस तरह से बहुत बढ़िया। आप आपको दूंगा, हम दिल्ली रहते हैं बट फेसबुक पे करनाल में क्या हो रहा है आई ओनली गेट टू नो फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज। सो करनाल ब्रेकिंग न्यूज इज वन ऑफ माई सोर्स सिटिंग इन दिल्ली टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन माई सिटी। आई स्टिल कॉल करनाल माई सिटी, चाहे मुझे दिल्ली रहते 30 साल हो गए हैं, बट फिर भी आई कॉल करनाल माई सिटी। आप लोगों का प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे, आप लोग खबरों को देखते रहिए। तो ये मस्ती है उस कॉलेज की जहां से ये लोग पास आउट हुए हैं और आज अधिकतर सीए बन चुके हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। 1993 का जो बैच था उनमें ज़्यादातर सीए यहां से इस कॉलेज से बाहर निकले हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। फैशन पैदा हुआ जो समझ में आता है एक ऊर्जा भरे गीत के रूप में। मेरा दावा है कि आप सबकी होंठ इस गीत के साथ बुदबुदाएंगे और कहीं आपके पैर भी मचलने लगेंगे। मेरा बैच 1971 है और मेरे को याद आता है जो पीछे वाला ब्लॉक है आर्ट्स ब्लॉक, क्योंकि जो सबसे अच्छी जगह होती थी वो आर्ट्स ब्लॉक। तो हमारे एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हरिंद्रा सिंह, मेरे से सीनियर जूनियर सब जानते होंगे। तो एक दफा वो पढ़ा रहे थे इंग्लिश के जो रोमांटिक पोइट्स हैं, तो वो खूब बड़ी रोमांटिक बातें करते थे। तो हमारे दिल में भी विचार आया कि कुछ रोमांटिक करें। उन दिनों के अंदर जयेश खन्ना की पिक्चर आराधना रिलीज हुई थी, कोरा कागज था मन मेरा लिया नाम मुझे तेरा। तो हमने कागज पे लिख के और मिसाई मिस्की बना के गर्ल्स की तरफ फेंकी, तो प्रोफेसर साहब ने हमें देख लिया, पकड़ लिया। वो सख्त भी थे, सब जानते हैं। तो उन्होंने जब खोल के देखा कि कोरा कागज था, वो कहते हैं कि मेरी तरफ देख रहे हो? तो मेरे दोस्त जानते होंगे जी, प्रोफेसर हरिंद्रा सिंह की अजीब किस्म की उन्होंने अपनी ताली बनी होती थी और उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी इस बारे में था। वो कहते हैं कि तो मेरा था आज तक दिन बोरा है, तो थोड़ा भी बोरा है कि मैं तुम्हें हर हर स्टेज पे खड़ा करूंगा। एक बार चाहे तुम्हें उठा के फेंकना पड़े वहां, चाहे तुम्हें धक्का देगा, और एक बात मेरी सुन ले, जो तेरे सामने बैठे हुए श्रोते होंगे उन किसी को कुछ नहीं आता, जो कुछ आता है सिर्फ तू ही आता है और तू ही उसको। Thank you.
एक मैसेज देना चाहूंगा। एट द एज ऑफ 88 आई एम टुडे मेंबर ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल बिटवीन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर द सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 गवर्नमेंट ने बनाया है। किस लिए कि जो बच्चे आज अपने माता पिता की सेवा नहीं करते मकान से बाहर करते हैं मारपीट करते हैं दुर्भाग्य इस देश का कि जिस देश में 14 साल खड़ाऊ राज करता रहा हो दमनी करूंगा बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। दयाल सिंह कॉलेज एलुमनी की तरफ से आज एनुअल मीट का आयोजन किया गया जहां पर तमाम जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, कोई मंत्री बन गया है, कोई व्यापारी बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई पत्रकार बन गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में जब सब इकट्ठे होते हैं तो पुरानी यादों को संजोते हैं कि उन्होंने कॉलेज टाइम में कितनी पढ़ाई की, कितनी मस्ती की, किस तरह से उन्होंने लेक्चर बंक किए, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। कुछ पुराने स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पुराने पलों को याद किया जाता है। आज का दिन बहुत खास है हम सब के लिए, क्योंकि कॉलेज के पूर्व छात्र एलुमनी के रूप में आज यहाँ बैठे सारे इकट्ठा हुए हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा है सारा, और इसमें हमने ना सिर्फ अपने उन पुराने बीते हुए समय को याद किया बल्कि वो चेहरे भी हमारे सामने थे जो कभी हम डेस्क पे हुआ करते थे, कभी हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। वो पूरी स्मृतियाँ, पूरी यादें एक एक करके उन यादों को हमने फिर से जिया है। और हमारे बीच हमारे विधानसभा के जो पूर्व स्पीकर हैं हरमहेंद्र सिंह चट्ठा साहब, वो भी इसी कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, वो भी आए हैं। और बड़ी संख्या में डिग्निटीज, जिसमें आपने जिक्र किया कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेस हैं, साथ में जुडिशरी से लोग हैं सारे, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग हैं सारे, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ द सोसाइटी। सो एक गुलदस्ता जैसे खिला होता है, इस तरह के जो हम सब लोग मिले आके तो अपनी वो पुरानी बातें शेयर की हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे टीचर्स भी हमारे साथ हैं आज, हमारे प्रिंसिपल जो हैं पुराने वो हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी आए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, पुरानी यादों को किस तरह से अपने दोस्तों के साथ साझा कर रहे हैं? बेसिकली 79 में यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया था, तो यू कैन से फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम 40-41 साल के बाद इसी कॉलेज में आए, और वो पुरानी यादें, पुराना सब कुछ। आप देखें इस कॉलेज में हमारे आज कल्याणा जी भी हैं, वो प्रिंसिपल भी थे और इसी कॉलेज के अंदर वो स्टूडेंट भी थे। 49 में वो यहाँ स्टूडेंट थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ टीचिंग की, उसके बाद वो प्रिंसिपल भी रहे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी वो हमारे बीच हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स, लामा जी मेरे साथ खड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक पुरानी याद, एक बचपन, वो कहते हैं चुलबुला बचपन, वो दोबारा आज वही देखने को मिल रहा है। वही कैंटीन की यादें, वही साथी, वही मस्ती। इतने सालों के बाद हर बंदा आजकल की बिजी लाइफ में, कोई बिजनेस में है, कोई अपनी फैमिली उसमें है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आ जाए, बहुत मेंटली रिलैक्स सा फील हो रहा है, जैसे खुला खुला वातावरण है, खुली बातें। थैंक यू। लोग कोई पैसों के चक्कर में दूर हो जाता है, कोई फेम के चक्कर में दूर हो जाता है, लेकिन जब इकट्ठे एक फंक्शन में होते हैं तो वही पुरानी बातें, वही दोस्त, वही किस तरह से बंक करते थे, किस तरह से गेड़ी रूट पर जाते थे, तमाम बातें याद आती हैं। आज 25 साल बाद 94 में एमए करके इस कॉलेज से निकले थे, और वो सब ऐसे के ऐसे याद आ रहा है कि यहाँ खड़े होते थे, ये क्लास छोड़ के खड़े होते थे, ये कॉमन रूम के बाहर खड़े होकर चाय पीते थे, मतलब कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के क्लास से निकलने का मौका मिलता था। और ये कैंटीन के समोसे, ब्रेड पकोड़े, और मुझे याद है जब 93-94 में मैं इस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना था, तो वो वोटिंग, वो इलेक्शन, तो इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, फंसी हुई दुनिया में आज अपने आप को एक फ्री सा, आज़ाद सा महसूस कर रहा हूँ। और वो 92-94 का स्टूडेंट की फीलिंग लेकर रियली अपने आप को बहुत खुशी हो रही है। आप क्या यादें शेयर करना चाहते हैं अपने पुराने दोस्तों के साथ? आज हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हम यहाँ 1949 से जब कॉलेज शुरू हुआ था उस बैच से लेकर और टिल अब तक जो भी यहाँ स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, और बहुत ही खुशी होती है सबसे मिलकर कि कोई किसी पोस्ट पर है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट यहाँ आए हुए हैं,
जैसे कि हमारे चट्टा साहब आए हैं, वो कई बार मंत्री रहे हैं, तो इसी टाइप से कल्याणा साहब हैं जो नंबर वन उनका एडमिशन था जब कॉलेज खुला था, तो बड़ी खुशी होती है सबसे मिलकर, और हम चाहते हैं कि इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और मैं सभी को यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। तो पुराने छात्र जो इस कॉलेज के थे वो काफ़ी खुश हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इसी कॉलेज से पास आउट है, क्या कहना चाहेंगे, पुरानी मस्ती के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्पीचलेस है सर, शब्दों में तो आंगन में आकर ऐसे लगता है जैसे पुरानी यादें नई हो गई हैं, वही सब कुछ, यहाँ नोटिस बोर्ड लगा, प्रिंसिपल साहब का रूम, कॉमन रूम हमारा गर्ल्स का, हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पुराने दिन वापस आ गए हैं। और कुछ कहना है? मैंने तो बोल दिया, शब्दों में नहीं कुछ कह सकती, बस पुरानी यादें बताना चाहेंगे। बस एक चीज मिस करती हूँ, यहाँ पे जो नीम का पेड़ होता था, बरगद का पेड़, त्रिपाठी साहब जिक्र किया करते हैं, मैं उसको बहुत याद करती हूँ, जब भी निकलती हूँ उसको पेड़ को जरूर याद करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ वो यादें शेयर करते हैं, आप उन्हें बता, बच्चे यहीं से ग्रेजुएट है, लड़की BSc लड़का कॉमर्स। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम फिर और दोबारा भी आयोजित किए? हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमने 3 वर्ष पहले ये एसोसिएशन बनाई थी, 4 वर्ष पहले, जिसमें हम ये 3rd मीट है हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लोग बाहर से आते हैं तो हम एनकरेज होते हैं और ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी हमारे सारे बैचमेट्स दिल्ली से आए हैं, सभी बाहर से, इस बार हमारे कुछ लोग दिल्ली चंडीगढ़ के अलावा अहमदाबाद से भी आए हैं, और लास्ट टाइम एक USA से हमारे बीच एक आई थी। लोगों के दिल में कहीं ना कहीं भाव जुड़े होते हैं कॉलेज से जुड़ने के, टीचर से जुड़ने के, पुराने साथियों से जुड़ने के, हमें कॉलेज ने एनकरेज किया ये करने के लिए, हमारा प्रयास ये निरंतर जारी रहेगा, लोगों का रिस्पांस मिलता रहे, हम इसको आगे चलाते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है। अब इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत लोगों से जुड़ते हैं, जिस तरह आपके कमल मिड्डा जी हैं, वो खुद यहाँ दयाल सिंह कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हमें जब लोगों को मालूम होता है कि वो इस कॉलेज से जुड़े हैं, हमें एक अपनापन महसूस होता है, और उन सबको आपस में बांधना, टीचर से बांधना, इंस्टीट्यूशन से बांधना, ये हमारा मकसद है। हमने थीम रखा है अपना बैक टू द रूट्स, जहाँ जड़ से शुरू होते हैं वो सब जड़ें वहीं रहती हैं, हम सब वहीं जुड़े रहें, बढ़ते रहें, आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें, यही हमारा प्रयास है। कुछ बताना चाहेंगे अपनी पुरानी यादों के बारे में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पंकज जी और टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया और इसको एस्टेब्लिश किया, और मैं 2 लाइनें कहना चाह रहा हूँ। महफिलें यूं ही सजती रहें यारों की, चलती रहे गुफ्तगू गलियारों में, याद कभी सताए किसी की कभी शिद्दत से भी, टीस गहरी भी पनाह मांगे संगत में तलबगारों की। तो ये दोस्ती की वो शायरी है जो यादों को जोड़ती है, ये उन बातों का जिक्र होता है जब कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे, मस्ती किया करते थे, घूमने जाया करते थे, लेकिन अब जो है सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं, कोई पत्रकारिता में है, कोई IAS ऑफिसर बन गया है, कोई पॉलिटिशियन बन गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के जो पत्रकार हैं कमल मिड्डा, वो भी दयाल सिंह कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, और तमाम ये लोग, तमाम दोस्त जो यहाँ पर आज जुड़े, उन्होंने हिस्सा लिया, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, कई पुराने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गाने भी गाए। तो ये जो एलुमनी मीट होती है उसमें सभी पुराने जो छात्र होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ग्रेजुएशन साइंस में की और 74 में लॉ ग्रेजुएट।
कैबिनेट ली थी, इनके टेन्योर में ऐसा नहीं हुआ। Inception of that year. Shall I repeat? Who founded DSC at Karnal again in the year 1949? And आपको ये भी बताना है कि date of inception of that year क्या थी? हम लोगों को तो इनसे ही करनाल की खबर Thank you.